काबरा उन सभी को प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत आज हिंदी भाषा जो है उसके विषय में हम आपको बहुत संक्षेप में कुछ बताना चाहते हैं। हिंदी जो है संसार में जो भाषाएं बोली जाती हैं समस्त भाषाएं उनमें दूसरे स्थान पर आती है। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारी हिंदी भाषा को इतना प्रचार प्रसार मिला है पूरी दुनिया भर में, और बोले जाने वालों की संख्या के लिहाज से हिंदी भाषा आज विश्व में चीन की मंडारिन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गई। हिंदी भाषा की जो वैज्ञानिकता है वो सर्वविदित है। हिंदी भाषा का जन्म यदि हम देखें तो 1050 के ईस्वी के आसपास माना जाता है। किसी भी भाषा का जन्म किसी एक वर्ष में एक दो वर्ष में नहीं होता, इसके लिए क्रमिक विकास होता है, धीरे धीरे कोई भाषा अपने स्वरूप में आती है। तो आज हिंदी भाषा जिस स्वरूप में आपके सामने है, जो हम बोलते हैं, ये सन 1050 ईस्वी के आसपास से अस्तित्व में आई है। तो हिंदी भाषा के इतिहास पर बहुत ज्यादा न बताते हम आपको सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि आप हिंदी को किस तरह से अच्छी तरीके से बोलें, अच्छी तरह से उसको समझें, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए ये मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अभ्यास और अध्ययन इसका कोई विकल्प नहीं होता। आपको कोई भी चीज आप अच्छे अभ्यास से ही सीख सकते हैं। तो आपकी मातृभाषा है हिंदी, घरों में बोली जाती है, हम सभी प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं हम। तो आप सबसे अच्छा तरीका यह है कि कविताएं और कहानियां खूब पढ़िए, हिंदी के अखबार पढ़िए, इसको अपनी अखबार पढ़ने की आदत बना लीजिए। हिंदी का एक समाचार पत्र जो है आप रोजाना पढ़ें और विस्तार से पढ़ें, उसमें समय लगाएं, ठीक है। जो भी कठिन शब्द हैं उनका उच्चारण करना सीखें, कठिन शब्दों को छोड़िए मत। कठिन शब्दों को बार बार उच्चारण करेंगे तो आपको उसका सही उच्चारण करना आ जाएगा, उसको बोलना आ जाएगा। बहुत तेजी से ना बोलें, ठहर कर थोड़ा धीमे धीमे बोलें, अभ्यास करें। और हिंदी की कुछ जो चुनिंदा किताबें हैं, उपन्यास हैं, काव्य संग्रह हैं, उनको पढ़ने की आदत डालें, और उनको पढ़ने के बाद फिर उसको लिखें भी, अपने विचार भी लिखें। लिखने से भी बहुत बढ़िया अभ्यास होता है। यदि आपने कोई किताब पढ़ी तो उसके विषय में कुछ नहीं तो उसकी समीक्षा लिखी कि उसमें आपने क्या क्या चीजें पाई, क्या देखा, क्या कथानक था। तो अभ्यास से जो है आप हिंदी विषय हिंदी भाषा में पारंगत हो सकते हैं। और ये आपकी अपनी भाषा है, अपनी मातृभाषा है, तो इसके लिए आपको अलग से तो कहीं सीखने जाना नहीं है। आप बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बस हमें उसको और बेहतर तरीके से अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद सर।